हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल गो टू सक्सेस। दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं करंट अफेयर सीरीज़, क्योंकि आने वाले दिनों में काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, जैसे कि एसएससी, स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स, यूपीएससी एंड अदर एग्ज़ाम्स। तो डेली हम 10 करंट अफेयर्स किया करेंगे। अगर डेली नहीं कर पाए तो वीकली हम करंट अफेयर्स और जो न्यूज़पेपर द हिंदू वगैरह है उनकी एनालिसिस, एडिटोरियल एनालिसिस किया करेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के सत्यरूप सिद्धांत 7 पर्वत शिखरों और 7 ज्वालामुखी पहाड़ों को फतेह करने वाले सबसे युवा पर्वतारोही बन गए हैं? ऑप्शन है नेपाल, चीन, भारत और बांग्लादेश। तो हमारा जो सही आंसर है वो है भारत, ऑप्शन सी। भारत के सत्यरूप सिद्धांत एक नाम है जो कि 7 पर्वत शिखरों और 7 ज्वालामुखी पहाड़ों को फतेह करने वाले सबसे युवा पर्वतारोही बन गए हैं। इनकी उम्र है 35 वर्ष 262 दिन और उन्होंने यह उपलब्धि बुधवार को 7वें ज्वालामुखी पर्वत माउंट सीडले, जो कि अंटार्कटिका में, पर चढ़ाई पूरी करके हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन सेकेंड। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस संजीव खन्ना और किस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दिनेश माहेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया है? ओके, तो यहाँ पर दो जजों को, जिसमें से पहले हैं दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस संजीव खन्ना और दूसरे हैं जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने। तो पूछा गया है कि जो दूसरे जज हैं दिनेश माहेश्वरी, वो कहाँ के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, किस हाईकोर्ट से उनका संबंध है, इलाहाबाद, पटना, दिल्ली या फिर कर्नाटक? तो रामनाथ कोविंद जी ने जिन दो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया है, उनमें से जो जस्टिस दिनेश माहेश्वरी है उनका संबंध कर्नाटक हाईकोर्ट से रहा है। ठीक है, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं और दिल्ली हाईकोर्ट के जज संजीव खन्ना, इनको अब सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए राज्य में कोयले के परिवहन पर 19 फरवरी को अगली सुनवाई तक तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है? तो ऑप्शन है मेघालय, बिहार, पंजाब या दिल्ली सरकार। ठीक है, किस राज्य की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था उसका पालन करते हुए कोयले के परिवहन पर 19 फरवरी को अगली सुनवाई होनी है इसकी, तब तक उसके प्रभाव पर रोक लगा दी है? आपका जो सही आंसर है ऑप्शन है ए, मेघालय सरकार। मेघालय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए राज्य में कोयले के परिवहन पर 19 फरवरी को अगली सुनवाई तक तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले से निकाले जा चुके कोयले के परिवहन के लिए जो खदान मालिकों को और अधिक समय देने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय निर्यात आयात बैंक, जो कि एक्जिम बैंक है, उसमें 6,000 करोड़ रुपए की शेयर पूंजी डालने और उसकी प्राधिकृत पूंजी को दोगुना कर कितने करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है 10,000, 20,000, 30,000 करोड़ या 40,000। हमारा जो सही आंसर है ऑप्शन बी, 20,000 करोड़ रुपए। इसका विवरण देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय निर्यात आयात बैंक, जो कि एक्जिम बैंक है, उसमें 6,000 करोड़ रुपए की शेयर पूंजी डालने और उसकी प्राधिकृत पूंजी को दुगना कर 20,000 करोड़ रुपए करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, दिल्ली के जूडो खिलाड़ियों ने पुणे में आयोजित खेलो इंडिया युवा खेल 2019 में 12 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक और कितने कांस्य पदक पर कब्जा करके बाकी टीमों को पछाड़ दिया है? ऑप्शन से 4, 8, 10 या 6। तो जूडो खिलाड़ियों ने पुणे में जो खेलो इंडिया युवा खेल था उसमें 12 स्वर्ण पदक, 3 रजत और 6 कांस्य पदक पर कब्जा करके बाकी टीमों को पछाड़ दिया है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, 12, 3 और 6 दिल्ली के जूडो खिलाड़ियों ने, कहाँ पर आयोजित हुआ था ये, पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विश्व स्वास्थ्य संगठन के उस सद्भावना दूत का क्या नाम है जिन्हें हाल ही में वर्ष 2018 का गांधी शांति पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है? ऑप्शन है एम्ब्रेल डेविड, जैन मैकेंजी, ये योहेई ससाकावा, इल्मा नाइदर।
तो जो ऑप्शन है ऑप्शन सी ये बिल्कुल सही आंसर है, ये होई ससाकावा, इनको गांधी शांति पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। ये है केंद्र सरकार द्वारा 2015 से 2018 तक के गांधी शांति पुरस्कार विजेताओं के नामों की घोषणा की गई। वर्ष 2018 के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के सद्भावना दूत योहेई ससाकावा को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। क्वेश्चन 7, वर्ष 2015 के लिए निम्न में से किसे गांधी शांति पुरस्कार के लिए चुना गया। ऑप्शन है अमृता विद्यालयम कोची, जानकी देवी ट्रस्ट दिल्ली, माँ कौशल्या चिकित्सा केंद्र पुणे या विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी। तो जो 2015 के लिए गांधी शांति पुरस्कार के लिए चुना गया वो है ऑप्शन डी विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी। इसका विवरण देखते हैं, ये भी वही है 2015 से 18 तक गांधी शांति पुरस्कार विजेताओं के नामों की घोषणा की गई। सरकार की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया कि वर्ष 2015 के लिए जो कन्याकुमारी के विवेकानंद केंद्र है उसको चुना गया है। क्वेश्चन 8 है, हाल ही में मानव अधिकारों को समर्पित विश्व का पहला टीवी चैनल कहां पर आरंभ हुआ है। ऑप्शन है दिल्ली, लंदन, पेरिस या दुबई। तो ये लंदन में शुरू हुआ है। ये देखिए, हाल ही में मानव अधिकार को समर्पित विश्व का पहला टीवी चैनल लंदन में इंटरनेशनल ऑब्जर्वेटरी ऑफ ह्यूमन राइट्स IOHR, इसकी फुल फॉर्म ये होगी, आप इसको भी याद रखें, द्वारा शुरू किया गया है। और जो मानव अधिकार दिवस होता है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन 9 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु 3,639 करोड़ रुपए को मंजूर किए हैं। ऑप्शंस हैं 13, 14, 15 या 16। हमारा आंसर आता है 13। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नए 13 केंद्रीय विश्वविद्यालय हेतु 36.32 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दे दी है। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री सुरेश प्रभु द्वारा हाल ही में किस स्थान पर आयोजित वैश्विक विमानन शिखर सम्मेलन 2019 में विजन 2040 दस्तावेज जारी किया है। ऑप्शंस है दुबई, मुंबई, ताशकंद या फिर समरक। तो जो सही आंसर है वो है मुंबई। केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री जो सुरेश प्रभु हैं, उन्होंने हाल ही में मुंबई में आयोजित वैश्विक विमानन शिखर सम्मेलन 2019 में विजन 2040 दस्तावेज जारी किया है। तो ये गाइस थे आपके 10 क्वेश्चंस जनवरी 2019 करंट अफेयर्स से। थैंक यू सो मच। कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो उसी घड़े को हमें भरना है। करंट अफेयर्स की पूरी तैयारी रखनी है। डेली हम 10 क्वेश्चंस करेंगे तो मंथली हमारे 300 क्वेश्चंस हो जाएंगे। थैंक यू गाइस, और जहाँ तक हो सके हम कोशिश करेंगे 10 से ज़्यादा भी करने की। डिपेंड करता है कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमें मिल पा रहे हैं। थैंक यू गाइस, बाकी की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ। ऑल द बेस्ट।